टुडे आई विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक प्लांट ब्रीडिंग। तो आज हम लोग जो फर्स्ट पार्ट है वो अपलोडेड है यूट्यूब पे, जो मेरा चैनल है उस पर फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है जो प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक है। तो आज हम लोग उसका जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट टू, जो उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बचे हुए हैं, तो आज हमको इस लेक्चर में आज हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो प्लांट ब्रीडिंग है उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा था, जो मेरा लास्ट वीडियोज़ है उसमें मैंने देखा था कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है, उसका क्या क्या यूजेज है, क्या एप्लीकेशन है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने पूरा रीड किया था। तो उसमें जो लास्ट वीडियोज है उसमें मैंने दो इम्पोर्टेंट वैरायटी जो था प्लांट ब्रीडिंग का एप्लीकेशन का, दो एप्लीकेशन ऑलरेडी हम लोग रीड कर चुके हैं। जो पहला मेरा था क्या था, वीट का इम्पोर्टेंस पढ़ा था, फिर उसके बाद दूसरा मेरा क्या था, राइस का था। तो ये दो जो इसका पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट जो मेरा वीडियोज़ में अवेलेबल है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है प्लांट ब्रीडिंग है, तो आज हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे देखेंगे। तो क्या है कि इम्प्रूवमेंट इन शुगर कैन, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन शुगर कैन। जैसे दो ऑलरेडी हम लोग रीड कर चुके हैं जो लास्ट वीडियोज़ है मेरा, तो उसमें क्या पढ़ा था मैंने वीट के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वीट का कौन कौन वैरायटी नया मेरे को मिला, फिर राइस का पढ़ा। जो थर्ड वन है मेरा क्या है कि शुगर कैन, जो मेरा गन्ना है, ठीक है, गन्ना। तो क्या पॉइंट है कि एक सैक्रम बार बेरी, ठीक है, ये जो शुगर कैन है उसकी वैरायटी है सैक्रम बारबेरी, जो क्या होता था ग्रो होता था नॉर्थ इंडिया में। ये जो सैक्रम बारबेरी वो क्या होता था, ग्रो होता था नॉर्थ इंडिया में। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, डिसएडवांटेज था, क्या था, क्योंकि पुअर शुगर कंटेंट था। मतलब गन्ना तो होता था लेकिन उसमें क्या था, जितना उसका जूस होना चाहिए, जितना उसमें कंटेंट होना चाहिए, तो वो क्या होता था, बहुत कम होता था। और इल्ड मतलब उसका जो प्रोडक्शन होता, जो ये नॉर्थ इंडिया में जो सैक्रम बारबेरी जो ये शुगर कैन ग्रो होता था, तो उसमें क्या था कि उसका जो शुगर कंटेंट था बहुत कम होता था, ठीक। और क्या था होता था, उसका जो प्रोडक्शन है जितना हमको प्रोडक्शन चाहिए तो क्या होता था, बहुत कम मिलता था, ठीक है। तो ये क्या, हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक और वैरायटी है सैक्रम ऑफ सी नेरम, ठीक है, ये क्या होता था, यह साउथ इंडिया में ग्रो होता था। और जो सैक्रम बारबेरी है ये क्या होता था, नॉर्थ इंडिया में। और जो सैक्रम ऑफिस से नेरम वो क्या होता था, साउथ इंडिया में ग्रो होता, ठीक है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या था, इसका जो शुगर कैन का जो लेंथ होता था वो क्या होता था, थिकर स्टीम होता था। जो इसका स्टीम जो होता था वो क्या होता, मोटा होता था, थोड़ा मोटा देखने को मिलता था। और क्या होता था, इसमें जो शुगर कंटेंट होता था, जो इसमें इसका जो लिक्विड कंटेंट जो जूस है उसमें क्या मिलता था, इसके कंपेयर में इसमें क्या मिलता था, ज़्यादा मिलता था। कहाँ, जो साउथ इंडिया में शुगर कैन ग्रो हो रहा था, ठीक है, बट नॉट ग्रो इन नॉर्थ इंडिया। और इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि ये जो साउथ इंडिया का जो शुगर कैन था वो नॉर्थ इंडिया में क्या होता था, ग्रो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो जो हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ रहे, हम लोग इसको कैसे दो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एक साउथ इंडिया में ग्रो हो रहा है जिसमें क्या कंटेंट बढ़िया है, ज़्यादा मिल रहा है, और एक क्या है मेरा नॉर्थ इंडिया में जो क्या इसका कंटेंट बहुत कम है, पुअर शुगर कंटेंट है। तो हम लोग पढ़े कि ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग टॉपिक पढ़ रहे, तो हम क्या किए, ये दोनों जो सैक्रम बारबेरी और सैक्रम ऑफ सी नेरम है, तो इसको क्रॉस करा दिए, मतलब इसको और इसको क्या किया, दो स्पेसीज को क्या किया, आपस में क्रॉस करा दिए, ठीक है। तो मेरे को क्या मिला, जब हम क्रॉस कराए तो उसका रिजल्ट क्या मिला, हाई इल्ड मिला। जब ये दोनों को हम क्रॉस कराए, एक में ज़्यादा कंटेंट मिलता था शुगर ज़्यादा, एक में कम मिलता था, जब हम ये दोनों को क्रॉस कराए तो हमको क्या मिला, जो इसका रिजल्ट मिला उसमें क्या मिला, हाई इल्ड मिला, ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। और क्या देखने को मिला, जो इसका स्टीम था वो क्या था, थोड़ा मोटा देखने को मिला। जो नॉर्थ इंडिया का जो शुगर कैन था वो क्या होता, पतला होता था, लेकिन साउथ इंडिया का क्या था, तो मोटा होता था। लेकिन जब हम ये दोनों को क्रॉस कराए तो हमको क्या मिला, हाई इल्ड मिला, प्रोडक्शन ज़्यादा मिला। और जो स्टीम था वो क्या था, उसका लेंथ क्या था, मोटा मिला, ठीक है। और हाई शुगर एबिलिटी टू ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, और इसका क्या था, जो ग्रो होने का एबिलिटी था नॉर्थ इंडिया में वो क्या हुआ, ज़्यादा ग्रो होने लगा, ठीक है। जो मेरा क्या था, सैक्रम ऑफ सी नेरम, ठीक है, ये क्या होता है, इसकी एबिलिटी ग्रो ज़्यादा होने लगा नॉर्थ इंडिया में। तो समझ गए होंगे कि जो सैक्रम ऑफ बारबेरी है वो क्या होता था, साउथ इंडिया में होता था, नॉर्थ इंडिया में। और जो सैक्रम ऑफ सी नेरम होता वो साउथ इंडिया में होता था। ये बेटर था, ये बेटर नहीं था, लेकिन ये दोनों को सॉल्व किया, इसे किए क्रॉस करा दिए। तो क्या देखे हम लोग, शुगर कैन की वैरायटी देखे, फिर उसके बाद मिलेट्स, ठीक है, मिलेट्स में क्या आता है, हाइब्रिड मेज,
जिसको क्या बोलते हैं, मक्का, ज्वार और बाजरा बोलते हैं, ठीक है, हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप इन इंडिया, ठीक है। तो हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़े प्लांट ब्रीडिंग का, तो व्हीट का देखे, राइस का देखे, शुगर कैन का देखे, फिर उसके बाद हम किसका, मिलेट्स का देख रहे हैं, जिसमें क्या आता है, मेज आता है, ज्वार आता है और बाजरा आता है, ठीक है। तो सक्सेसफुली डेवलप इन इंडिया, इसको इंडिया में अच्छे तरह से इसको क्या किया, डेवलप की। तो नेक्स्ट पॉइंट जो क्या है, हाइब्रिड ब्रीडिंग लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई यील्डिंग वैरायटी रेसिस्टेंस वाटर स्ट्रेस, ठीक है। जब हम हाइब्रिड ब्रीडिंग जब डेवलपमेंट किए बहुत सारे वैरायटी, तो हमको क्या मिला उसमें, यील्डिंग जो मेरा हाई यील्ड होता है, मतलब प्रोडक्शन क्या हुआ मेरे को ज़्यादा मिला, जो इसका प्रोडक्शन था पहले वो क्या हुआ, इससे ज़्यादा मिला जब हम क्या किया, हाइब्रिड बनाए वैरायटी। और इसमें क्या था, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यह रेसिस्टेंस था, क्या होता अगर इसको पानी उतना नहीं भी मिलता था तो ये क्या होता था, ग्रो हो जाता था, ठीक है। इसको मतलब वाटर स्ट्रेस, वाटर कोई जो पानी की कमी है उसको क्या करता था, बर्दाश्त कर पाता था, झेल पाता था, रसिस्ट कर पाता था, ठीक है। यह जो मेरा हाइब्रिड ब्रीडिंग से जो मिलेट्स हम लोग बनाए, ठीक है, तो क्या था इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, रेसिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेस, ये पानी की कमी ना होने के बाद भी क्या होता था, अच्छा से ग्रो हो पाता था, मरता नहीं था, ठीक है। इसका तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये था इसका। और अगला जो मेरा कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंट, प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेसिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि वाइड रेंज ऑफ फंगल, बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजन अफेक्ट द यील्ड ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप स्पेसिस। बहुत अगर हम वाइड रेंज देखें तो क्या होगा, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैथोजन क्या करता है, जो भी हमारे जो क्रॉप है, प्लांट है, उसको क्या करता है, कल्टीवेटेड क्रॉप को क्या करता है, ख़राब करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है, हानि पहुंचाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं हम क्या कि कभी कभी हमको क्या होता है कि इतना ज़्यादा ये जो फंगी बैक्टीरिया इतना हानि पहुँचा देता है, तो इसका नेक्स्ट जो पॉइंट वो क्या है, क्रॉप लूजेज कैन ऑप्टेन अप टू 20-30%। कभी कभी ऐसा हमको देखने को मिलता है कि ये जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, 20-30% जो हम क्रॉप उगाते हैं तो क्या होता है, 20-30% ये बर्बाद कर देता है। लेकिन सम टाइम क्या हमको देखने को मिलता है कि कभी कभी पूरा का पूरा लॉस हमको देखने को मिलता है, मतलब जितना हम ग्रो किए उसका सारा का सारा ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया, फंगी और वायरस जो क्या करता है, इसको बर्बाद कर देता है। कभी कभी 20-30%, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सम टाइम टोटली लॉस कर देता है, ख़त्म कर देता है। ये कौन करता है, ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगी सब। तो अगला जो पॉइंट क्या है, इन दिस सिचुएशन, इस सारे सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेटर रेसिस्टेंट टू डिजीज इन्हेंस्ड फूड प्रोडक्शन। ये सारे सिचुएशन से बचने के लिए हम क्या कि ब्रीडिंग टेक्निक को अप्लाई किए, कल्टीवेटर जो भी इसका खेती बाड़ी करता है, जो भी कल्टीवेट करता है, तो ऐसा इन्होंने एक टेक्निक डेवलप किया जिससे क्या हो कि डिजीज़ रेसिस्टेंस हो, उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगी उसमें क्या करे, डिजीज़ काउज ना कर सके और क्या हो सके, फूड का प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सके, बढ़ा सके। तो एक ऐसे टेक्निक, इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो कल्टीवेटर था उन्होंने ऐसा टेक्निक यूज़ किया जिससे क्या हो कि रेसिस्टेंस हो, डिजीज़ से रेसिस्टेंट हो, मतलब डिजीज़ से बचे, और दूसरा क्या है कि फूड का प्रोडक्शन को क्या हो, बढ़ा सके। तो इन्होंने एक उपाय किया। फिर उसके बाद क्या है कि ये जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, सम डिजीज़, कौन कौन से डिजीज़ काउज करते हैं मेनली, तो पहला क्या है कि बाय फंगी, अगर फंगी की बात करें तो ये क्या करता है, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट वाला है, और दूसरा क्या, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। तो ये क्या होता है, जो गन्ना होता है क्या होता है, कभी कभी जो होता है पूरा लाल हो जाता है, जिसके कारण जो उसको हम क्या बोलते हैं, किसके कारण होता है, फंगी के कारण होता है। जो गन्ना जो होता है नॉर्मली देखने में जो उसका कलर रहता है, तो क्या होता है कि जब ये बीमारी काउज होता है रेड रॉट ऑफ शुगर कैन, तो पूरा रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, अगर देखिए फंगी से देख ले कि ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट गेहूं में देखने को मिलता है, दूसरा रेड रॉट ऑफ शुगर कैन गन्ना में, ठीक है। और दूसरा मेरा क्या है कि बाय बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया से हम देखें कि ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स, ठीक है। तो ये सम काउज डिजीज जो क्या करता है फंगी। ये जो मेरा फोर्थ क्या है मेरा कि प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, ठीक है। तो हम लोग जो फोर्थ पॉइंट देख रहे हैं उसमें क्या है कि हम फूड क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव्ड करेंगे, बढ़ाएंगे। तो हम पहले क्या देख रहे हैं कि मोर देन 840 मिलियन पीपल, ये मिलियन अच्छे से माइंड में रखना, 840 मिलियन पीपल इन वर्ल्ड डू नॉट हैव एडिक्वेट फूड एंड ए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो क्या बोल रहा है पॉइंट कि जो 840 मिलियन पीपल है पूरा दुनिया की बात कर रहा है, तो उसको क्या मिलता था, डू नॉट एडिक्वेट फूड, उसको सही मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा था, और उस क्या हो रहा था, न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। फिर अगलो नेक्स्ट पॉइंट मेरा कि 3 बिलियन, ये मिलियन और बिलियन, तो मिलियन छोटा है और बिलियन बड़ा है, तो अच्छे से याद रखना कि 3 बिलियन पीपल सफर फ्रॉम माइक्रो न्यूट्रेंट,
और क्या, जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, डिफिशियंसी, जो 3 बिलियन पीपल था इसको क्या होता था, खाने में क्या मिलता नहीं मिल पा रहा था, सफ़र था, मतलब सफ़र मतलब उसको नहीं मिल पा रहा था क्या, जैसे प्रोटीन चाहिए बॉडी को, विटामिन चाहिए, ये सारे डिफिशियंसी उसको देखना पड़ता था, कितना 3 बिलियन पीपल को, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम हिडन हंगर बोलते हैं, हिडन हंगर का मतलब क्या है कि लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल, ठीक है, जिसमें जो खाना है मेरा भोजन है फूड है उसमें क्या होगा, विटामिन की कमी रहेगा या मिनरल, उसको हम क्या बोलते हैं, हिडन हंगर बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज दे कैन नॉट एफोर्ड टू बाय इनफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स फिश मीट, क्योंकि ये इतने अमीर लोग नहीं होते थे, मतलब होता है ना पहले जैसे हमारे कंट्री तो बहुत ही गरीब था, तो क्या होता था कि इसके पास इतना इनकम नहीं है, फाइनेंशियली नहीं है जो क्या कर सके, रोज़ ये क्या कर सके, फूड मतलब फ्रूट्स हो गया, फिश हो गया, मछली मीट खरीद के खा सके, अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट को जैसे प्रोटीन विटामिन मिनरल ले सके, क्योंकि ये उतना क्या फाइनेंशियली क्या स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो ये सारे चीज़ वो क्या कर सके, रोज़ उसको खरीद के खाने सकता है, ठीक है, जैसे फ्रूट हो गया, फिश हो गया, मछली हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलता है, लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल, हिडन हंगर इसको बोलते हैं, ठीक है, और उसके बाद मेरा क्या, डाइट लैकिंग एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, डाइट लैकिंग, डाइट खाना खा रहा है लेकिन उसमें क्या होता है, जो मेरे को ज़रूरत माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो हमको मिलना चाहिए बॉडी को, तो वह नहीं मिल पा, जैसे आयरन हो गया बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज, अगर ये अगर हम सबको नहीं मिल पाएगा खाना में, जैसे हो गया आयरन, विटामिन, आयोडीन, जिंक, तो क्या होगा, हम लोग को ज़्यादा रिस्क होगा बीमारी होने, क्योंकि बॉडी में क्या ये सब आयरन विटामिन मिनरल की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर यह नहीं मिल पाएगा तो हमको क्या हो सकता है, डिजीज़ होने के चांसेस हो सकता है, ठीक है, अगर ये और इसका और मेरे को साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर विटामिन आयरन नहीं मिलेगा तो रिड्यूस लाइफ स्पेन, जो जीवन काल होता है किसी भी इंसान का, तो उसमें भी मेरे को क्या कटौती देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब एक आयु सीमा से पहले वो इंसान क्या होगा, एक्सपायर हो सकता है। दूसरा क्या है कि रिड्यूस मेंटल एबिलिटीज़, अगर ये सारे विटामिन मिनरल आयोडीन नहीं मिलेगा खाने में, तो उसका जो सोचने की क्षमता है, मेंटल एबिलिटी, तो क्या होता है, उसमें भी मेरे को क्या होगा, कमी देखने को मिलेगा, मतलब वह बंदा उतना सोच नहीं सकता, उतना उसको याद नहीं रहेगा, अगर वो सारे चीज़ की अगर उसको पूर्ति नहीं हो पा रहा है बॉडी में खाने के थ्रू, ठीक है, तो उसके बाद क्या है, बायो फोर्टिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ या इसको अच्छे से माइंड में रखिए, बायो फोर्टिफिकेशन क्या है, यह मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अगर हम समझे कि ब्रीडिंग करो विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन, मतलब जो हम क्रॉप ब्रीड करेंगे, जो हम लोग क्रॉप टेक्निक से ग्रो कराएंगे, तो उसमें क्या होना चाहिए कि विटामिन और मिनरल का लेवल क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ब्रीडिंग करो विथ हायर लेवल, हायर लेवल विटामिन मिनरल, जिसमें क्या होना चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, हेल्दर फैट्स मोस्ट प्रैक्टिकल मीन्स टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये अगर हम ये टेक्निक्स अगर हम, इसका मोटिव यही है कि हम जो फूड ब्रीड करेंगे क्रॉप, तो उसमें क्या होना चाहिए, विटामिन तो होना ही चाहिए ज़्यादा, लेकिन उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा, फैट और प्रोटीन हुआ, अगर फैट भी होगा तो क्या होगा, इसका मतलब यह है कि जो पब्लिक का हेल्थ क्वालिटी होगा उसमें क्या होगा, मेरे को बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, ठीक है, जो बीमारी या जो भी उसका लाइफ स्पेन जितना होना चाहिए नहीं हो पा रहा इस विटामिन मिनरल की वजह से, अगर हम ये टेक्निक से अगर जो क्रॉप ब्रीड करा के जो उसको यू बनाएंगे, जैसे उसमें सारा चीज़ रहेगा, विटामिन मिनरल तो होगा, उसका किसी एक पब्लिक का जो हेल्थ है उसमें मेरे को क्या होगा, फ़ायदा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है कि ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज़ अंडरटेकन विद ऑब्जेक्टिव इम्प्रूविंग, हम लोग जो ब्रीडिंग कराएंगे इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी, तो उसमें कुछ पॉइंट्स है, तो हम लोग क्यों कराएंगे, उसमें क्या क्या मेरे को चाहिए, ठीक है, अंडरटेकन कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, तो पहला क्या कि प्रोटीन कंटेंट उसमें क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, जो प्रोटीन की कंटेंट होना चाहिए उसमें ज़्यादा होना चाहिए, और उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन कंटेंट होना चाहिए लेकिन क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि ऑयल कंटेंट भी होना चाहिए, प्रोटीन है जिसमें ऑयल भी बॉडी को ज़रूरी है, उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, उसका भी क्वालिटी क्या मेरे को प्योर होना चाहिए। और तीसरा क्या है कि विटामिन कंटेंट, विटामिन तो ज़रूरी है, विटामिन कंटेंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट, ये सारे चीज़ क्या होना चाहिए, यह ऑब्जेक्टिव है जब हम ब्रीडिंग करेंगे इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी को, ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव देख के हमको क्या करना है, ये सारे ऑब्जेक्टिव देख के हमको किसी भी ब्रीडिंग को आगे लेके जाना है, ठीक है, तो प्रोटीन कंटेंट हाई होना चाहिए, ऑयल कंटेंट होना चाहिए, विटामिन मिनरल होना चाहिए, ठीक है। तो एक डेटा दिया हुआ एनसीईआरटी का है कि 2000 मेज हाइब्रिड, ठीक है, 2000 मेज
मेज हाइब्रिड्स ट्वाइस द अमाउंट ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो भी मेरा नया टॉपिक होगा डीएनए रेप्लिकेशन उसमें पढ़ेंगे एमिनो एसिड क्या होता है। ठीक है, तो क्या है बोल रहा है कि ट्वाइस कर दे, इसको दोगुना कर दिया एमिनो एसिड को, किसमें जो एक एमिनो एसिड में रहा क्या एक ग्लाइसिन है एक ट्रिप्टोफैन है, जो क्या होता है मेज में डेवलप मतलब जो 2000 मेज हाइब्रिड बना। ठीक है, उसमें क्या किया कि दो गुना अमाउंट कर दिया किसका लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का। इसको हमको अच्छे से याद रखना है, कौन सा दो एमिनो एसिड तो लाइसिन और ट्रिप्टोफैन का क्या किया क्या अमाउंट क्या कर दिया डबल कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वीट वैरायटी की अगर हम बात करें वीट की तो एक इसमें क्या एटलस 66 हैविंग हायर प्रोटीन कंटेंट, एक मेरा क्या वीट की वैरायटी है जिसका नाम क्या एटलस 66 है, जिसमें क्या है कि प्रोटीन कंटेंट क्या है कि बहुत ज़्यादा है, जो प्रोटीन की क्वांटिटी है मेरे को बहुत ज़्यादा इसमें मिलेगा किसमें एटलस 66 में। उसके बाद क्या इट हैज़ बीन पॉसिबल टू डेवलप आयरन 45 राइस वैरायटी कंटेनिंग 5 टाइम्स मच आयरन कॉमनली कंज्यूम्ड वैरायटी। ठीक है, तो यह बोल रहा है कि तब हमको पॉसिबल हुआ मतलब हमको यह सब देखने को मिला कब डेवलप आयरन 45 राइस। ठीक है, जिसमें क्या होता ये एक वैरायटी है राइस की आयरन 45 राइस वैरायटी जो क्या करता है कंटेंट क्या करता है 5 गुना ज़्यादा आयरन जो कंटेंट नॉर्मली आयरन करता है कोई भी राइस। तो इस ये जो बनाए हम किससे टेक्निक से तो हमको क्या इसमें मिला कि 5 गुना ज़्यादा आयरन कंटेंट हमको किस देखने को मिला इस वैरायटी में कितना 5 टाइम्स मच आयरन एज इन कॉमनली कंज्यूम्ड वैरायटी। ठीक है, तो आयरन 45 राइस जो है वैरायटी है उसमें कंटेंट हमको कितना 5 गुना ज़्यादा आयरन देखने को मिला है जो कॉमनली होता है। ठीक है, तो यह बहुत ही अच्छा हमारे लिए है। फिर उसके बाद क्या है कि IARI जो लास्ट वीडियो मैंने IAR के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो क्या है मेरा न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है, ऑल्सो रिलीज्ड बहुत सारे वेजिटेबल्स हो गया क्रॉप्स हो गया जैसे विटामिन ज़्यादा हो मिन। तो यह जो एक मूल्यांकन करता है मेरा IARI जो है वो सारे क्रॉप वेजिटेबल जितना भी मेरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया रिलीज्ड किया बहुत सारे वेजिटेबल क्रॉप विटामिन जिसमें क्या हो बहुत ज़्यादा हो, या इसलिए किया क्योंकि जो नॉर्मल पीपल है गरीब लोग है वो क्या कर सकते वो खरीद नहीं सकते उतना वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया एक टेक्निक से कि जो क्रॉप है क्रॉप में क्या किया हाइब्रिडाइज करा कि उसमें जो मिनरल विटामिन कंटेंट का जीन है उसको क्या उसमें इंट्रोड्यूस करा दे, जिसके कारण क्या होगा जब भी वो खरीदेगा कोई सब्जी टमाटो तो उसमें क्या हो उसमें वो सारे विटामिन उसको मिलेंगे तो उसके बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है तो उसका नीड को भी पूरा हो पाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे रिच विटामिन मिनरल्स है तो हम देखते हैं इसका एग्जांपल्स, जैसे विटामिन ए की बात करें कि कौन कौन से ऐसे मतलब मेरा क्रॉप है तो क्रॉप वेजिटेबल है जिसमें हमको विटामिन ए सी कैल्शियम ये सब मिले, तो विटामिन ए की बात करें तो कैरोट ले लो उसमें विटामिन ए की कंटेंट मिलेगा, स्पेनिच और पम्पकिन। ठीक है, ये सारे में क्या होगा विटामिन ए की कंटेंट किसके द्वारा IARI जो क्या डेवलप किया। ठीक है, विटामिन ए इसमें इन्होंने क्या किया विटामिन ए के कंटेंट को बढ़ा दिया कैरोट स्पेनिच और पम्पकिन। विटामिन सी की बात करें तो इनरिच बिटर गॉर्ड भथवा मस्टर्ड टोमेटो, तो अगर विटामिन सी अगर हमको चाहिए खाने में तो इन्होंने क्या किया टोमेटो में इसका जीन डाल दिया मस्टर्ड हो गया भथवा, तो अगर ये सब हम खाएंगे तो हमको विटामिन सी की कमी नहीं देखने को मिलेगा। और आयरन की आयरन और कैल्शियम की अगर बात करें स्पेनिच और भथवा तो भथवा में को आयरन और कैल्शियम भथवा में क्या हमको आयरन कैल्शियम भी मिल सकता है लेकिन क्या है हमको विटामिन सी भी भथवा से मिल सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटीन इनरिच्ड बीन हो गया जैसे क्या हो गया ब्रॉड फ्रेंच एंड गार्डन पी, तो इसमें क्या होगा प्रोटीन इनरिच हमको ज़्यादा मिलेगा गार्डन पी हो गया जैसे मटर हो गया। तो यह सारे क्या हुआ ये क्या IARI के द्वारा क्या रिलीज्ड बहुत सारे वेजिटेबल क्रॉप है जिसमें ज़्यादा विटामिन और मिनरल प्रेजेंट हो, तो यह सारे डेटा को अच्छे से हमको माइंड में रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन ए किस में पाया जाता है विटामिन सी आयरन किस में, तो यह सारे कंटेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा NCERT बेस्ड है, तो सारा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई किया है। सो आई होप यू गाइस ऑल अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट इन दिस लेक्चर, सो थैंक यू सो मच।